आज सर मऊ की घुसी विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, बड़ा गहमागहमी है और कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी नाक का सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव घुसी का बहुत ज़्यादा मतों से जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों के आवास बने, निःशुल्क बिजली के कनेक्शन हमने दिया है, हर घर को शौचालय दिया है, जो है आज गरीब कल्याण योजनाएं चल रही, निःशुल्क राशन मुहैया कराने का काम हमारी सरकार ने किया है, आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 लाख रुपये के इलाज की व्यवस्था दिया है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5 लाख रुपये का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों को इलाज के लिए व्यवस्था दिया है। तो आप ये देखेंगे कि आज हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, एक शौचालय बन जाए हर गांव में, जो है कि आप देखें ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में रोजगार सृजन हुआ, गाँव के महिलाओं को रोजगार मिला, महिलाओं को प्राथमिकता है, महिला सशक्तिकरण के अभियान को हम लोगों ने वो पूरे एक तरह से कहा कि धरातल पर ले जाने का काम किया। तो इस तरह से लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और जो मोदी जी का योगी जी का नेतृत्व है, देश की प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। उसी के साथ साथ चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के चुनाव रहे हों, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव रहे, सब में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है। तो उसका कारण है कि जो हमारी सरकार काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है, कोई जाति धर्म मजहब के आधार पर नहीं, सबके आज किसान, हर किसान चाहे जिस जाति का हो, किसान के खाते में हमारी आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए, किसान के धान की खरीद, रबी मतलब गेहूँ की कैसे खरीद हो, उनके समर्थन मूल्य घोषित करके जो है उनको बेहतर सुविधा दिया है, हर चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर सुविधा मिला। पीडीए अखिलेश यादव कोई पीडीए नहीं साहब, कब इनको पीडीए याद आता? अखिलेश यादव को जब चुनाव आता है तो पीडीए याद आता है, लेकिन जब चुनाव और सत्ता में ये रहते हैं तब ये पीडीए याद नहीं आता इनको। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, आपको इस बात को बताना भी चाहता हूँ कि जब इनके सहयोग से मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री थे तो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात चल रही थी, 40-45 साल से लोग लंबे अरसे से धरना दिए, प्रदर्शन दिए, यातनाएं सही, तमाम तरह के वो किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के सबसे प्रधानमंत्री जी को कि पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा दिलाया, आयोग गठित किया, आज वो क्रियाशील हो गया, हंसराज अहीर जी उस आयोग के अध्यक्ष हैं, आज जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिल रहा है। ये अखिलेश यादव पिछड़े की बात करके पिछड़ों के लिए कुछ करते नहीं, चुनाव आता है तो पिछड़े याद आते हैं, चुनाव के बाद इनको पिछड़े खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये बात जनता समझ चुकी है, कोई इनके बहकावे में नहीं आने वाला। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।